राधा है। नहीं, तुम्हारा नाम अनुराधा है, मेरी अनुराधा। तुम विद्या ले लो और समय मार दो, समय मार दो। वापस दे, दे दे मुझे वापस, नहीं तो देख ले। नहीं तो क्या धमकी देती है मुझे? मैं चाहता हूँ अनुराधा सेल्फ मेड बने, अपने आप को खुद बनाए ताकि उसमें एक आत्मविश्वास पैदा हो। क्या बात है, आज बहुत देर कर दी? अरे तुम पूछो मत, मैं बहुत मुश्किल से बापू की नजर बचा के आई हूँ आज। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही। तुम तो यूं कहते रहते हो। अच्छा आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो तो सही ना। अच्छा लो, क्या है ये? देखो तुम्हारी कविताएं और तुम्हारा नाम अनुराधा। ये तो मेरी कविताएं हैं। हाँ सब तुम्हारी हैं। अच्छा लाओ मुझे वापस दो। नहीं। अरे लाओ भी। नहीं। अरे अनुराधा। अच्छा ये बताओ तुम भागी क्यों? बस ऐसे। एक चीज और है मेरे पास। क्या? एक मिनट। लो। ये क्या है? 3000 रुपए। इतने सारे रुपए क्यों? सब तुम्हारे हैं, तुम्हारी कविताओं का मेहनताना, रख लो। तुम कितना कुछ कर रहे हो ना मेरे लिए, और मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो तुम एक ग्रेट पोएटस बनकर दिखाओ। वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। और तुम कविताओं के साथ साथ लेख लिखना भी शुरू करो। ये मैगजीन हर 15 दिन में छपती है, इससे तुम्हारी महीने की आमदनी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ मैं बहुत मेहनत करूंगी, और इन पैसों से मैं ना खूब सारी किताबें खरीदूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा मैं जमुना चाची से हिंदी तो पढ़ ही रही हूँ, तुम मुझे अंग्रेजी और गणित पढ़ा दो, पढ़ाओगे ना? नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं। एक लड़की मिलने आई है, बाहर कॉरिडोर में खड़ी है। लड़की कौन हो सकती है यार? चल देखते हैं। अरे राधा तुम। जरा देखो तो। क्यों ऐसी क्या बात है? अजी हुजूर ये तो हमारे दिल से पूछिए कि ऐसी क्या बात है। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा ये लो। ये क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुमको मालूम था कि मैं पास हो जाऊंगा? हाँ मुझे पूरा विश्वास था। लो विकास प्रभु तुम भी लो। लेने भाई वाह,
भाभी हो तो ऐसी। चुप कर यार। अब अपनी छुट्टियां हो गई हैं और अब वक्त आ गया है कि हम अपने मिशन में जुट जाएं। क्यों दोस्तों? हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा तूने। और जो हमारे रास्ते में आएगा उसे हटा दिया जाएगा। जो उसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे यार, बस इतने से लोग? कोई बात नहीं यार, फिलहाल इतने ही काफी है। इन्हीं के जरिए हम बाकी लोगों तक पहुंच जाएंगे। भाइयों, हमने कुछ आपकी भले की बात सोची। अच्छा, आप बताइए क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं बाबू। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका और कितने पढ़े हैं? हमारा नाम बिल्लू है और हम गांव में पहली तक ही पढ़े थे बाबू, बस। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? भैया, हमारा नाम दीनानाथ, उत्तर प्रदेश के रहे वाले हैं। बंबई शहर में काम के तलाश में आए रहे, लेकिन अभी तक कोनो काम नहीं मिला। अच्छा, आप ये बताइए आप कहाँ तक पढ़े हैं? अच्छा, हम तो पहलियों कक्षा नहीं पढ़े, दाखिला लिए रहे, स्कूल छोड़ के भागी आए। अच्छा, और आप? हमारा नाम सिकदर है, हम बंगाल से आए। बाबू मोशाय, ये तो आनंद फिल्म का डायलॉग है, राजेश खन्ना और अमिताभ वाली। क्यों तू चुप कर यार, हर बात को फिल्मी डायलॉग बना देता है। इसका मतलब बंबई शहर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं काम की तलाश में। अच्छा बाबू मोशाय, आप कितने पढ़े हैं? अरे हम तो वहाँ विद्यालय में पढ़ते थे, हाँ तीसरी कक्षा तक पढ़े थे, तीसरी कक्षा तक। अब हम बंबई में आए चाकरी की तलाश में, पर कुछ नहीं मिला, सब बेकार। अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोगों ने आपकी भलाई के लिए एक प्लान तैयार किया। क्या तैयार किया है बाबू? हमने एक योजना बनाई है ताकि आप लोग पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवार सकें। भला पढ़ लिख कर ही उम्र में का होई? अरे यही तो आप लोगों की गलतफहमी है जिसे हम दूर करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग आपको पढ़ाने लिखाने के साथ कोई एक रोजगार भी सिखाएंगे जिससे आप कोई छोटा मोटा काम भी खोल सकें। इससे अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे आप लोग। अब देखिए ना, मैं भी तो अनपढ़ थी लेकिन मैं भी अब पढ़ रही हूँ और अब तो मुझे मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमका तो कोनो काम है नहीं आवत। हम सिखाएंगे ना तुम्हें, सिर्फ एक साल में, सिर्फ एक साल में आपको ऐसा बना देंगे ना, सिर्फ आप पढ़ने लिखने भी लगेंगे बल्कि बढ़िया पैसे भी कमाने लगेंगे। बोलिए, मंजूर है? भाई हम अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकते ना। तो तुम शाम को आ जाया करना। अपना तो नहीं कह सकते, इन दोनों को ले जाइए, जब तक बेकार हैं तब तक कुछ पढ़ लिख ही लेंगे। अरे ना भैया ना, ठेकेदार का पता चल गया तो कभो काम पे ना रखेगा। बिल्कुल। अरे ठेकेदार तो तुम्हें दोनों हाथों से लूटता है भैया, लूटता है, निचोड़ता है, और जितना पैसा तुम्हें मिलना चाहिए ना उससे बहुत ही कम पैसा देता है वो तुम्हें। देखो भैया, जब तुम पढ़ लिख जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि वो किस तरह से उल्लू बनाता है तुम्हें। देखो भैया, ये बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सब हम लोगन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, वो रोज हमारे झोपड़पट्टी में आए के नाटक वाटक करके दिखाओ, इसे तुम लोगन के का फायदा? देखिए, हमारा फायदा ये है, हम अपने समुदाय के लोगों के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा पैसा निकाल कर इस काम में लगाएं तो न सिर्फ उनका बल्कि पूरे देश का फायदा होगा। वो कैसे करके साहब? वो उन्हें धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने को तैयार है। तुम दोनों हो आओ ना, अगर कुछ फायदा हुआ तो हम भी आ जाएंगे। वैसे भी ठेकेदार से हम बहुत परेशान है बाबू, बहुत ही मक्कार और बेईमान आदमी है बाबू। अरे बिल्लू भैया, अरे मां कोनो गड़बड़ वड़बड़ हुआ के अंदेशा तो नहीं ना? अरे चाचा, वैसे भी तो हम सब लोग खाली हैं, हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ के भाग आएंगे, क्यों भैया? हाँ और क्या, ठीक है तो हम दोनों चलब। हाँ भैया, जाब कहाँ चले के बताओ? हम लोग कल माधोपुर गाँव जा रहे हैं और वहाँ से वापस लौटते ही हम अपने काम पर लग जाएंगे, ठीक है? अच्छा भैया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। राम राम भैया। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा अपना। तो गाने मत गा यार, काम कर काम। यार तेरे को क्या तकलीफ है यार, जब भी मैं कोई अच्छा गाना गाता हूँ ना तू बीच में टोक देता है। सामान तो ऐसे रख रहा है जैसे कोई पिकनिक पे जा रहा हो,
वहाँ काम करना है, कोई मौज मस्ती नहीं करनी, समझा? ए, मेरे को सब मालूम है वहाँ पर क्या करना है, अपने काम से मतलब रखा कर। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? जल्दी करो, रास्ते में राधा को पिक करना। मैं तो कब से रेडी हूँ यार, कहीं देर कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो रेडी टू गो यार, कम ऑन लेट्स गो। चलो चलो रेडी गो। वाह, बड़े ब्यूटीफुल मॉर्निंग, क्या खुशबू है। गाड़ी यहीं खड़ी रहने दो। हाँ हाँ। अरे चाची, कौन कौन है रे? अरे मैं राधा। ओ राधा, तू तो पहचान में नहीं आवे है रे। गांव में कैसे हैं सब लोग चाची? जैसे पहले था वैसे अब है। अच्छा चाची, फिर मिलूंगी तुमसे, अभी सरपंच के यहाँ जावत हूँ। अच्छा बेटिया, तो यूं बात है भाई, शहर जाके हमारी बेटी बहुत समझदार होके लौटी। पर बेटे, जो काम तू यहाँ करना चाहे है भैया, है बहुत मुश्किल। अरे काका, इस मुश्किल समस्या का हल ही तो ढूंढने आए हैं हम यहाँ। देख, तू यहाँ के लोगों को शिक्षा देना चाहे है, पर यहाँ के लोग शिक्षा लेना ही नहीं चाहे। अरे हम उन्हें समझाने आए हैं, बस तुम उनको एक जगह बुला दो। पर ठीक है बेटी, जब तू कहे तो बुला देते, बुला देंगे भाई। गांव तो बहुत सुंदर है तुम्हारा, लेकिन गरीब है। हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं। स्कूल के नाम पर दो कमरों का छोटा सा कच्चा सा मकान है, ना तो अच्छे टीचर्स हैं, ना किताबें और ना ही लाइब्रेरी, कुछ भी पूरा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कविता लिखने का शौक कब से लगा? जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से अपने आप को कल्पना के आकाश में उड़ता पाया। यहीं इन्हीं खेतों में उड़ती फिरती थी मैं, कभी वहां दूर भाग जाती और कभी वो देख रहे हो ना पेड़, उस पे चढ़ जाती और कभी झील के किनारे बैठकर नए नए शब्द सोचती रहती। यहाँ झील भी है? हाँ हाँ, थोड़ा सा आगे को है, छोटी सी। राधा, जब तुम्हें कविता लिखने के लिए शब्द नहीं मिलते थे, तब तुम क्या करती थी? क्या हुआ? बहुत रोती थी मैं, छटपटाती थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आता था, भगवान भी नहीं। मैं सोचती कि काश मेरी कल्पना को शब्द मिल जाएं। कभी बादलों से बातें करती, कभी बरखा की बूंदों से और कभी इन पक्षियों से। ये मेरे पुराने साथी हैं, मेरे तन्हाई के साथी। उड़ रही हूं घने बादलों के बीचों बीच, मचल रही हूं लेकर दिल में उमंग, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, इठला रही हूं जैसे कोई तरंग। न जाने कौन, न जाने कहां से कोई तो है जो उड़ा रहा है मुझे। इस बार थाम लेना मुझे नीले गगन, जो टूट गई डोर तो फिर वही कटी पतंग। वाह बहुत सुंदर, ये कविता तुम्हारी किताब में है? नहीं। क्यों क्यों नहीं रखा उसमें? क्योंकि ये मैंने अभी अभी सोची है। अभी अभी
चलते चलते। वाओ, यू आर ए जीनियस। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। पूरे गांव में सिर्फ एक आदमी तैयार हुआ है हमारे साथ चलने को। मेरे ख्याल से उसके रहने खाने का बंदोबस्त तुम्हारे फार्म हाउस में कर देते हैं। हाँ यार, ये ठीक रहेगा। लो वो आ गए। अरे रामू इधर। जी मालिक। आज के बाद तेरी और तेरी छोकरी की काम से छुट्टी। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। यो क्या कह रहे हैं मालिक, हम तो भूखों मर जाएंगे। अरे तो जैसे गद्दार आदमियों की मेरे पास जगह नहीं है। हमने कोई गद्दारी ना की मालिक। झूठ बोलता है। कल तेरी छोकरी उन लड़कों के साथ क्या बकवास कर रही थी। किन लड़कों के साथ मालिक? किन लड़कों के साथ? जरा तेवर तो देखो बात करने के, जानबूझकर अनजान बन रहा है। रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। अरे बोला ना, दफा हो यहाँ से। अरे ओ ठेकेदार, अरे मुझसे बात कर, मुझसे। रानो। तू चुप कर बापू, आज मुझे जरा इससे बात कर लेने दे। अरे ये क्या समझता है कि अगर ये हमें नौकरी से निकाल देगा तो क्या हम भूखों मर जाएंगे? अरे जा, रख अपनी नौकरी अपने पास, हमें नहीं करनी। भोले भाले मजदूरों को ठगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे छोकरी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हमसे पंगा ले रही है, हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, बलवंत बहादुर के खिलाफ। लो सुन लो, चींटी के भी पर निकलने लगे। अरे हंस मत राक्षस, क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि एक चींटी काफी होती है एक हाथी को खत्म करने के लिए? अरे तू जैसी बहुत चींटियां देखी मैंने, और कईयों को पैर के नीचे मसल दिया, अब तेरा भी वही हश्र करूंगा, समझी? अरे वो तो वक्त बताएगा कि किसका क्या हश्र होने वाला है, समझे तुम? तुम्हारे पापों का घड़ा बस अब भरने ही वाला है। बकवास बंद कर, चल निकल जा यहाँ से, बाप को भी ले जा यहाँ से, चल। चल बापू, अरे हमें नहीं करनी इसकी नौकरी, चल तू यहाँ से। अब तू मुझे कह रही है कि तेरे साथ चलूं, तुझे जाना तो जा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं तो मालिक के कदमों में सर रख के पड़ा रहूंगा जब तक ये मुझे नौकरी वापस नहीं देते। तुझे नौकरी नहीं करनी ना, तो जा, जा मर। ठीक है बापू, जाती हूँ। लगता है तुझे तब तक अकल नहीं आने वाली जब तक ये राक्षस तेरा पूरा खून नहीं चूस लेता। रहम करो मालिक, रहम करो मालिक। अरे भाई, बहुत दिनों के बाद बैठे हैं रामू के घर आज। ठीक कहते हो भाई, बहुत दिनों बाद मौका मिला है। अरे क्या बताऊं भाई, घरवाली बीमार रहती है और छोरी, मैं तो बड़ा दुखी हो गया भाई, इसकी वजह से ठेकेदार ने नौकरी से निकाल दिया। वो तो बड़े हाथ पैर जोड़े तब जाके ठेकेदार ने नौकरी पर रखा। बड़े दयालु हैं ठेकेदार। मैंने सुना तेरी छोकरी उन लड़कों के साथ बहुत घूम फिर रही है। लड़कों के साथ? हाँ। किन लड़कों के साथ? अरे वो अमीर लड़के पाल रखे हैं तेरी छोकरी ने, बड़े मजे उड़ा रही है। पर राधा तो किताब वाब के लिए वो क्या कहते कविता लिखने जाती है, किन्हीं लड़कों के पास नहीं जाती। अरे रहने दे रहने दे, सारी झोपड़ पट्टी जानत है तेरी छोकरी के कारनामे। इतनी बदनामी हो रही है कि शादी के लिए अब बड़ी मुश्किल होगी तुझे। ठीक कहते हो। अरे आ गई, कहाँ घूमने फिरने गई थी? बापू जबान संभाल के बात कर, मुझे आंख दिखावे। सहजा कर्म जली। अरे क्या बात होगी? आज ना छोड़ूंगा इसे। हाँ? क्या किया इसने? अरे क्या किया इसने? मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली। यू यू क्या गजब करा था? अब इसे नहीं छोड़ूंगा। ना, अब नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नही
तूने, क्या किया, मार डाला तूने मेरी माँ को, मार डाला। मैं हमेशा तुझसे कहती रही कि शराब छोड़ दे, लेकिन तू कभी नहीं माना। हरा दी थी शराब ने मेरी माँ की जान। अनपढ़ आदमी राक्षस हो जाता है, दरिंदा, जो अपने हाथों से अपने घर का बर्बाद कर डालता है, वो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुझे क्या मिला? देख, देख इस खून को, निरक्षर जानवर, देख, देख, देख तूने कैसे मेरी माँ को मार डाला। को गिरफ्तार किया जाता है। खून खून कर दिया। मैं कहता था ना यहां पशु हैं, सब पशु। वो देखो जा रहा है पशु, देखो देखो। हे मालिक रहम कर इस बस्ती पर, थोड़ी सी कृपा कर दे। नहीं करेगा? मुझे मालूम है कि तू नहीं करेगा, वहीं बैठा रहेगा छुपकर नीले आसमान में। कहाँ है तू? तू नजर भी नहीं आता। कितनी देर से ढूंढ रहा हूं तुझे, देर से नहीं सालों से, सदियों से ढूंढ रहा हूं तुझे, सदियों से, लेकिन तू नहीं आता। अरे कभी तो आ और देख, ये तेरे ही पैदा किए पशु हैं। क्या तू इनको इंसान बनाकर नहीं बेच सकता था? बोल है? क्या कहा, इंसान बनाकर भेजा था, यहां आकर पशु बन गए? तू शायद ठीक कह रहा है, तूने तो दिमाग इंसान वाला दिया था, लेकिन इन्होंने उसे कूड़ बना दिया, कूड़, बिल्कुल कूड़। लेकिन कब तक चलता रहेगा ऐसे? कैसे चलता रहेगा? हमेशा ऐसी बर्बादी होती रहेगी? तू ही कुछ मदद कर सकता है, कर दे मदद, थोड़ी सी, थोड़ी सी मदद कर दे, बस थोड़ी सी। इन पशुओं को फिर से इंसान बना दे किसी तरह, किसी तरह, नहीं तो ये ऐसे ही तबाह होते रहेंगे, तबाह 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 तबाह। चुप हो जाओ अनुराधा, होनी को कौन टाल सकता है? मेरा सारा परिवार एक पल में तबाह हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, मरते दम तक मैं तुम्हारा। बस नहीं आनंद, पहली बार जिंदगी में मुझे इतना प्यार मिला है, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। ऐसा कभी नहीं होगा अनुराधा। ये तुम्हारा समाज, ये शिक्षित और अमीर समाज, इसके दोगले रूप से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं आनंद। जो बाहर से तो बहुत चमकदार दिखाई देता है, लेकिन अंदर से
उतना ही घिनौना है। अरे मेरा बाप तो अनपढ़ था, उसने मेरी माँ का खून कर दिया, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों को अपने मतलब के लिए इंसानियत का खून करते मैंने अक्सर देखा है। ऐसा क्यों होता है आनंद? असल में ये पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि इन्हें अपने पैसे और अपनी पोजीशन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, और इसके बदले ही अपना जमीर खो बैठे हैं। अनुराधा, हमें उसे जगाना है, उन्हें उनके कर्तव्यों को याद दिलाना है, और साक्षरता सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे देश का उत्तरदायित्व है। हम अपने मिशन में कामयाब तो हो जाएंगे ना? क्यों नहीं,